सो ये पी क्यू और हैम्पर चेक इन रिवॉर्ड जो ये वाला इवेंट है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे देखिए लिखा हुआ कि डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, सिक्स, सेवन, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो आपको हर रोज़ लॉगिन करना पड़ेगा एंड लॉगिन करने के साथ साथ आप लोगों को परमानेंट आइटम मिलते रहेगा। परंतु यहाँ पे जितने भी आइटम है सब कुछ परमानेंट नहीं है, सिर्फ हमारा जो बैलेंस है कि यही सिर्फ परमानेंट है एंड बाकी का जो आइटम है वो सारे के सारे टेम्पोरेरी है। जैसे कि डे वन डे टू के लिए गिफ्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं डे सेवन के लिए ये बैलेंस चेक ही सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं डे फाइव में आऊँगा क्योंकि डे सिक्स में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो डे फाइव में जो है उसमें से मैं कोई भी एक गन स्किन चूज़ कर लूँगा। तो मैं यहाँ से थॉमसन गन स्किन चूज़ करता हूँ एंड डे फोर में तो हम लोगों को एम फोर्टीन मिल रहा है, वो भी परमानेंट सिलेक्टेड है एंड डे थ्री में हम लोग एक पैरासूट चूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सारे के सारे चूज़ एंड बाकी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसको छोड़ के हम कन्फर्म मारने के साथ साथ आप लोगों को आइटम दिखा देगा, मतलब जितने भी आइटम आप लोगों ने सिलेक्ट किया है। जैसे कि डे वन में जो हमारा ए डब्ल्यू एम है, ओ डब्ल्यू एम क्लेम करने को बोल रहा है, तो हम लोग ए डब्ल्यू एम क्लेम कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग ओपन सेक्शन में जाएंगे। जाने के बाद देखेंगे कि ए डब्ल्यू एम हम लोगों को परमानेंट मिला या परमानेंट नहीं है। तो भाई ए डब्ल्यू एम तो परमानेंट नहीं है, सात दिन के लिए दिया गया है। तो जितने भी यहाँ आइटम है सारे के सारे परमानेंट नहीं है, सिर्फ हमारा जो बेलन का मतलब बैट का जो स्किन है वही सिर्फ परमानेंट है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है पीक्यू और हैम्पर्स की जो कन्फ्यूजन है, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, डिफिकल्टी इवेंट है, तो आप लोगों को आसान कर दिया मैंने इस वीडियो के माध्यम से। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देसी गैंगस्टर बंडल कैसे लेना है उसका भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो लिंक को जरा चेक कर लीजिए। तो वीडियो को करते ही पर खत्म, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।